सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। आज का संदेश बहुत ज्यादा डीपली और गहरा है और हर एक सुनने वालों के लिए एक वरदान साबित होगा। आज हो सकता है जाने अनजाने ये गलती कर रहे हो, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया है शैतान हंसता है, किन कारण हंसता है और वो चुराता है, किन कारण चुराता है जब हमसे मौका हंसने का और चुराने का देते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मैं अपने आप को तेरे में सौंपता हूं और शैतान नहीं चाहेगा ये वीडियो, ये संदेश कोई देखे सुने, क्योंकि ये संदेश सुनेंगे और इस शैतान के हंसने को रोकेंगे, चुराने को रोकेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जब मैं बोलूं तो तेरी ओर से बोलूं, हर रुकावट को दूर करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का संदेश आपकी आंखें खोलेगा, क्योंकि आंखें खोल देने वाला संदेश है। और उन्होंने मुझे एक रिकॉर्डिंग के द्वारा बताया और ये बताया कि ऐसे बहुत लोग करते होंगे और शैतान बड़े आराम से आपकी सारी चीज चुरा लेता है, आप पर हंसता है जब आप ये वर्ड बोलते हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मुझे दान ऑफरिंग के प्रचार के लिए जब बोलता, जब भी मैं आपके सामने आता हूं, अगर वो बोले कि पूरे साल नहीं बोलना तो मैं नहीं बोलूंगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जब बोलेंगे, जब मैं आपके सामने आऊंगा और दर्शन में जो प्रभु ने बताया है, तो यीशु चंगाई में समा में बोएगा, वो लाइफ टाइम क्या देखेगा, गरीबी नहीं देखेगा, आशीषित होगा। ये परमेश्वर ने मुझे दर्शन में बताया था, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, और अप्रैल के महीने में खास आज्ञा दी थी। धन्य है वे लोग जो प्रभु की आज्ञा मानकर आगे बढ़े। लेकिन आज का टॉपिक इसी में से है और डीपली है, बहुत गहरा है। सुनोगे तो आंखें खुली खुली जाएगी और हो सकता है कि अनजाने अनजाने में हम ये गलती कर रहे हो और शैतान को मौका दे रहे हो, आओ और हमारे घर में चोरी करो और वो सब कुछ चुरा रहा है। कैसे हम मौका देते हैं, कैसे हम आगे बोलते हैं, ये आज आपको सुनना है। वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, जब मैं बोलूं आपकी इच्छा से, जब मैं पढ़ूं आपकी इच्छा से, और आज सबकी आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज का वचन सोगना पड़ती के साथ आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आज का वचन सोगना पड़ती के साथ तो आएगा ही, साथ में आंखें खोल देने वाला है। हालेलुया, मैं यकीन कह सकता हूं शैतान नहीं चाहेगा आप संदेश सुने या इसको माने। हालेलुया, आज परमेश्वर ये बोलना है, शैतान हंसता है और शैतान चुराता है और हम और आप मौका देते हैं। कैसे मौका देते हैं, कैसे मौका देते हैं? आज जो इस मौके को देख लेगा वो कभी जिंदगी में शैतान को मौका नहीं देगा। आज का वचन आपके जीवन में भरपूरी से आशीष लेके आने वाला है। आइए एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं, हाथ उठा के पिता, आज मैं शैतान को दूर करता हूं ताकि वो शैतान उनको इस वचन से सुनने से ना रोक पाए, आज वो दूर हो जाए ताकि वचन सुनकर आशीषित हो पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर जो बोलते वो कहना पड़ता है। मेरे अजीज, प्रभु ने जो भी बोला वो पूरा हुआ, हम सब जानते हैं। आज परमेश्वर ने बताया कि बहुत लोग गलती करते हैं और ये रिकॉर्डिंग जब मेरे पास आई तो मुझे लगा, प्रभु ने मुझे बताया कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। पहली बात मेरे अजीजों, कभी जो प्रभु बोले उसे डिले मत करना। संभव है परमेश्वर जो बोलते हैं उसको काम को तुरंत करना, क्योंकि आशीष हमारे द्वार पर खड़ी है। अगर हम डिले करते हैं, नहीं कर पाते, तो शैतान हंसता है और बड़े प्यार से चुरा लेता है। दान दशवांश जहां के मेंबर वहीं का होता है। ऑफरिंग दान आप एक चर्च में क्या, आप अनगिनत चर्च में दे सकते हो, ये परमेश्वर का ऑर्डर है, आप कहीं भी दे सकते हो, छूट है। लेकिन जब मैं मुझ पर कॉल आती है, भाई हम अपने चर्च में देते हैं, कहीं और नहीं दे सकते, बंदिश नहीं है। यही हंसता है वो कि परमेश्वर ने क्या कहा है, कौन सी आज्ञा है। जब हम बीमार होते हैं, हम कहीं भी फोन करके प्रार्थना कराते हैं, कोई दास बोलता है नहीं अपने चर्च में कराओ, यहां क्यों करा रहे हो, क्योंकि वो प्रभु का भय मानता है। हमें भी प्रभु का भय मानना है, याद रखना आज के बाद। दूसरा कि जब ये बोला जाता है, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं बोल सकता, मैं बहुत गरीब हूं, तब शैतान बहुत हंसता है, बहुत हंसता है और चुरा लेता है। हम प्रभु के दास से कह सकते हैं ना, भाई मैं गरीब हूं, मैं नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। ये वर्ड जब होता है, मैं अगले महीने बोल दूंगा, मैं अगले साल बोल दूंगा, इस साल तो मैं नहीं बोल सकता या इस महीने नहीं बोल सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू 1,00,000 बो, ना का आज तक मैंने कभी कहा होगा। देने वाले पूरी तनख्वाह देते, परमेश्वर को आशीष और यीशु ने दी है, उन्होंने बरकत पाई है। लेकिन जब ये बोला जाता है तो हम बीमारियों को मौका देते हैं। जब बीमारी घर पे आती है तो बीमारी को कह सकते हो, हे बीमारी मेरे पास पैसे नहीं है। हम परमेश्वर को कह सकते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब बीमारी घर पे आएगी और जब डॉक्टर बोल देंगे 48 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसको कुछ भी हो सकता है, 50,000 का इंतजाम करो, तो 50,000 कहां से आते हैं, वो उस टाइम कहां से इंतजाम करता है इंसान।
या जब ये कॉल आ जाए कि आपके बेटे की जॉब लगने वाली है 48 घंटे के अंदर, लेकिन उसमें 10,000 रुपये इंक्लूड चाहिए, और वो दास को अभी आपने कहा मैं दान नहीं दे सकती क्योंकि मैं पैसे नहीं है, और जब भी कॉल आ गई तो आप 10,000 का इंतजाम करोगे। वाई, क्यों? वहां लालच आ गया, वहां जिंदगी आ गई। और जब हम ये बोलते हैं तो शैतान हंसता है कि कैसे मूर्ख है, आशीष को ठुकरा दिया, अरे 10 रुपए तो बोके देखते कितने आशीष पाते, शैतान को पता है। और वो हंसता है, और जैसे हमने ये बोला हम नहीं दे सकते या हम अपने चर्च में देते हैं वहां नहीं दे सकते, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा, शैतान ने धावा बोल दिया, और पूरे महीने इतनी दवाई आएगी, इतना सब कुछ होगी, शैतान चुराएगा। और यही वचन दिया प्रभु ने मुझे, आज 2 वचन से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वचन कहता है लूका 21, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा, उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़िया डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। विधवा है, कंगाल है, इससे गरीब तो नहीं हो सकते कोई, इससे तो नहीं कहा कि मेरे पास दान नहीं है, क्योंकि इन सबों ने अपनी अपनी बढ़ती में से डाला है, जिसने डाला है। आज प्रभु ने आपको तनख्वाह दे रखी अच्छी, आपके तनख्वाह 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, आप इनकम कमा रहे हो अच्छी बिजनेस में, उसमें से आपने कुछ दे दिया, 10,000 डाल दिए, 20,000 डाल दिए, वो भी आशीष है, ये नहीं, लेकिन कुछ डाल दिया, लेकिन इससे क्या करा? अब लोग सोचते हैं 2 रुपये डाल दो, इन्हें 2 रुपये डाली ना, लेकिन ये नहीं सोचते ने डाला क्या। देखो, क्योंकि इन सब ने अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी, जो भी था सबको डाल दिया। कितने कम लोग होंगे जो सब कुछ डालते हैं, मैं नहीं कहता नहीं होंगे, बहुत होंगे, लेकिन ये चीज करना दिल हिल जाए जिसे कहते हैं, और परमेश्वर खुश हो जाए। तो आज के बाद से अगर आप ये वर्ड बोलते हो कि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, प्रभु ने कहा इस महीने, प्रभु कहा इस मिनिस्ट्री में, अपो नहीं पाशु जी में तो एक ही हो, तो शैतान हंसेगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है जहां आप जुड़े हुए वहां तो बरकत आ रही है, लेकिन वो आपको और आशीषित करना चाहता है। तभी तो आप प्रार्थना करवा रहे हो, तभी तो यीशु चंगे से मिनिस्ट्री जुड़े हो, एक मिनिस्ट्री जुड़े रहते हैं तो एक ही जगह प्रार्थना करते, एक ही जगह जुड़ते, अलग अलग जाते क्यों है हम? तो परमेश्वर का जब तो अलग अलग गई है तो अलग अलग गया है तो पूरी तरह जा, अधूरा मत जा, अधूरा विनाशकारी होता है। हम इस चीज को मुकरे नहीं, और जब ये बोला जाता है मेरे पास पैसे नहीं, तो याद रखना मुसीबत बाहर बैठी हुई है। और जब दवाइयां कताता लगता है, एक गवाही आपको बताऊंगा वेस्ट बंगाल की, और ये बात प्रभु ने मुझे अभी भी मन में डाली, गवाही सुनना जरूरी है। देखो शैतान क्या कहता है, यूहन्ना 10:10 में चोर, यीशु मसीह ने कहा चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया जीवन पाए और बहुतात कर पाए। फिर से पढ़ूंगा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए, बहुतात कर पाए। यीशु मसीह देने आए, जीवन देने आए। अब शैतान क्या हंसता है बताओ, अभी इस पे पैसा नहीं, वो जानता है कोने कोने में रख रखा है, अभी इसने प्रभु के दास से कह दिया भाई मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरे पास कुछ ही नहीं है इस साल, इस महीने, अगले महीने, वो हंसेगा, उन्होंने कहा देख अभी मैं खाली कराता हूँ उसको, जो नहीं रख रखे वहां पे अभी खाली होगा, तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, नुकसान कुछ भी ऐसा हो जाएगा, आपके जो बचे हुए पैसे वो सब वहां लग जाएंगे। और ये बात फैक्ट है, ये बात रियल है, जहां आपने दान को मना करा, जहां आपने ऑफरिंग को मना करा, आपने झूठ बोल दिया, आपने कैसे भी कर लिया, शैतान या तो आपको लालच में डाल देगा, कहीं ना कहीं से भी इंतजाम होगा, उसको देना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आपने कहा फोन करके या रिकॉर्डिंग में भाई पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है आपने कह दिया, तभी कॉल आ जाए कि अरे आपके पति को जॉब लगने वाली है, बस वहां जाओ 10,000 रुपए लगेंगे, आप कहीं ना कहीं इंतजाम करोगे, शैतान को पता है इनका कैसे मुझे खाली कराना है, क्योंकि बाड़ा हट गया। वहां यीशु मसीह हमें देखते रहते हैं, जब हम दान देते हैं हमारी यीशु मसीह की नजर हम पे रहती है, एक बाड़ा बांध देते हैं और हमारा पैसा नुकसान नहीं होता। वेस्ट बंगाल की गवाही बताता हूं मैं आपको, 2019 की एक बहन वेस्ट बंगाल से जुड़ी, उन्होंने दान देना शुरू करा परमेश्वर की गवाही से। एक दिन शैतान ने मन में डाल दिया मध्य दान, क्या फर्क पड़ता है एक महीने नहीं देगी तो, वो अप्रैल का ही महीना था। देखो प्रभु ने क्या बात याद दिलाई है, ये परमेश्वर की महिमा है। अप्रैल के महीने में उसने बंद कर दी, 2019 की बात है, मुझे नहीं पता था
कौन बंद करता है, कौन देता है, मुझे कुछ नहीं पता चलता। देने वाले मैसेज करते हैं, प्रभु का धन्यवाद। तो तभी मैं ऑनलाइन प्रार्थना एक बार करता हूं, जो देता है बरकत पाएगा पाएगा। बंद करने वाले बंद कर देते, मुझे कोई टेंशन, प्रभु की है, देखो परमेश्वर काम कर रहे हैं। उसने बंद कर दिया, मुझे नहीं बताया। मई महीने में जब उसका फोन आया, उन्हें कहा पाशा जी मैं आपको एक गवाही देना चाहती हूँ। उन्हें कहा बोलो। मैंने कहा बोलो ठीक है कि पाशा आपको पता है मैंने आपको दान बंद कर दिया था। मैंने कहा मुझे नहीं पता। कह रहे हाँ मैंने अप्रैल में दान नहीं दिया आपको, इस मिनिस्ट्री में दान नहीं दिया। मैं फिर क्या हुआ, कह रहा इस मिनिस्ट्री में अप्रैल में दान बंद करा, आप मई में मैं दे रही हूँ, और अप्रैल में मेरी 6,000 रुपये की दवाई आ चुकी है। 6,000 के जब तक मैं दवाई में बीमार नहीं पड़ रही थी, मैं 6 महीने से या 3-4 महीने से लगातार बीज बो रही थी। जैसे ही शैतान ने मेरे मन में डाला मत बोल बार, और मैंने उसी महीने 6,000 की दवाई आ गई, मैं बीमार पड़ गई। और जब भी मैंने बोला मैं दूंगी, मैं ठीक हो गई। परमेश्वर की महिमा करो ताली बजाके। तो ये है मेरे अजीजों, शैतान हमारी कमजोरी को जानता है। आज के बाद से किसी भी मिनिस्ट्री में आप ये मत बोलना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकती, नहीं दे सकता। डॉक्टर को हम नहीं बोल सकते, बीमारी को नहीं बोल सकते, बीमारी मेरे पास पैसा नहीं है, क्यों आ रही है मेरे पास। डॉक्टर को नहीं बोल सकते भाई पैसा नहीं है, कल ऑपरेशन कर दियो। डॉक्टर कहेगा ले जाओ, फिर गारंटी नहीं है, और पैसा दे के बच्चों की भी गारंटी नहीं है। और ना ये बोलना कि मैं एक ही चर्च के मेंबर हूँ, एक ही चर्च में दूंगी। दशमांश की बात नहीं कर रहा हूँ, दान ऑफरिंग की बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अनगिनत चर्च देने वाले बोलो, ताकि आपका हाथ भरपूरी के साथ रहे। हालेलुया, परख कर देखिए हुआ कैसा भला है। ये परमेश्वर मुझे बताया चेतावनी देकर कि शैतान हंसता है, चुराता है, आज इनकी आंखें खोलनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी आंखें खुल चुकी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, जैसा आपने बोला वैसे ही तेरे दास ने समझाया तेरे द्वारा, और तूने समझाया, आज लोगों की आंखें खुल गई। अब से ये नहीं कहेंगे पिता कि एक ही चर्च में हम देते हैं या हम पे पैसा नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो। और शैतान को मौका देने के बाद शैतान को खाली कर देता है पूरी तरह से पिता। और यही कारण है पिता कि बहुत लोग आशीष नहीं पा पाते, उनका बढ़ोतरी नहीं हो पाते, क्योंकि वो समझते नहीं है वचन को, आपकी आज्ञा को। लेकिन आज यह आत्मा हमने हटाया, शैतान की योजना को कैंसिल करा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज अभी इसी वक्त से पिता। जिन्होंने अपनी गलती मान ली है, अंगीकार करा है, वो तेरे चमत्कार को देख रहे हैं, अपनी गवाही देंगे। पिता इनकी सब कुछ पूरा करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। ये परमेश्वर के उस पैगाम है, जिन्होंने सुना माना, चमत्कार देखोगे अपनी लाइफ में। जय मसीह की।